जो रुझान आ रहे हैं, हमको लगता है रायसीना हिल्स से बताया जाए, क्योंकि रायसीना हिल्स की लड़ाई 2019 के लिए, और हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के नेता चुकी जुड़ चुके हैं, तो हर को नज़र 2019 जरूर आ रहा होगा, और इस चुनाव के परिणामों का असर क्या पड़ने वाला है, क्योंकि इसकी एक बिसात तो बिछ रही है जिसमें गठबंधन साथ है, गठबंधन टूटेगा। कैराना में बीजेपी को झटका है, विपक्ष जीत की ओर है, और उन इलाकों में जीत रही है विपक्ष, जिन इलाकों में लगता नहीं था कि बीजेपी के वर्चस्व के आगे वह टिकेगी, वोट शिफ्ट हो रहे हैं, जो नहीं मान के बीजेपी चल रही थी। पालघर लोकसभा में बीजेपी आगे चल रही है, ये एक बीजेपी के लिए अच्छी खबर है राहत के लिए, लेकिन भंडारा गोंदिया लोकसभा में बीजेपी के सांसद किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को छोड़कर चले गए, और वहां पर एनसीपी कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है। एनडीए की थी 4 सीटें, उसमें 2 पर पिछड़ रही है, इसका मतलब यही है कि ये एक अच्छी बात नहीं है बीजेपी के लिए। दूसरी तरफ विधानसभा में 10 सीटें हैं, 10 सीटें में भी विपक्ष का पड़ रहा भारी है। इसमें अगर सीट दर सीट देखेंगे तो 7 सीटों पर गैर बीजेपी पार्टियां आगे चल रही है, और 7 सीटों में क्षेत्रीय पार्टियों के हिस्से में सीटें, यानी क्षत्रपों का महत्व है, चाहे वो बिहार में नीतीश कुमार हो, झारखंड में जीएमएम हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, क्षत्रपों का महत्व है। हाँ, कर्नाटक के आरआर सीट पर कांग्रेस आगे जरूर चल रही है, वहाँ पर छत्रप नहीं चले, यानी कुमार स्वामी सीएम होने के बावजूद भी जेडीएस वहाँ पर पीछे है, तीसरे या चौथे नंबर पर चल रही है, ये एक स्थिति लगातार बन रही है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।